भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जम्मू कश्मीर में शहीद छिंदवाड़ा के लाल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव संवेदनशीलता के साथ तत्काल ही सारे कार्यक्रम रद्द करके छिंदवाड़ा गए और वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन दुर्भाग्य की कांग्रेस के पूर्व सीएम, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि मैं छिंदवाड़ा की जनता को ये करूंगा वो करूंगा, न बाप है न बेटे, दोनों गायब हैं, श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंच रहे। सर्च वारंट जारी हो रहे हैं, कहाँ हैं कमलनाथ, चुनाव में भी लोग ढूंढ रहे हैं, कमलनाथ देश में हैं या विदेश में, लोगों को यह भी नहीं पता। यह हालात हैं कांग्रेस के। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के अंदर मध्य प्रदेश की धरती के सपूत छिंदवाड़ा के लाल, जम्मू कश्मीर की धरती पर वो शहीद हुए हैं, इस मातृभूमि के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। हम सब लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशीलता के साथ तत्काल ही सारे कार्यक्रम रद्द करके वो छिंदवाड़ा गए और हमारे वीर सपूत को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मैं तो छिंदवाड़ा की जनता के लिए ये करूंगा और ये करूंगा और ऐसे रहूंगा और वैसे रहूंगा, न बाप है न बेटे, दोनों गायब हैं, श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंच रहे हैं, सर्च वारंट जारी हो रहे हैं, कहां है कमलनाथ जी, चुनाव में भी कहां है, ढूंढ रहे हैं लोग, देश में है विदेश में यही नहीं पता लोगों को, ये कांग्रेस के हालात बन गए हैं। लेकिन वीर सपूत के साथ देश की जनता खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारा पूरा नेतृत्व तो खड़ा है और देश के प्रधानमंत्री तो वीर सम्मान, वीरों के सम्मान में, वीरों को ताकत देने के लिए सेना के जाकर के सीमा पर दिवाली मनाने का काम सैनिकों के बीच में करते हैं। दुर्भाग्य से ये वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक का भी, ये बंटाढार दिग्विजय सिंह और ये करप्शन नाथ कमलनाथ पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है, तो इनकी सेना के बारे में ही सोच है, इसलिए न शहादत से या श्रद्धांजलि से क्या लेना देना, इनका मूल करेक्टर ये है जो जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो।